दोस्तों, कल मोदी जी ने रात को 9:09 पर जो बिजली बंद कर मोमबत्ती जलाने का, मोबाइल टॉर्च जलाने का, एक उत्सव मनाने का जो आह्वान किया है, उसको लेकर के एक बात बड़ी तेजी से फैल रही है कि इससे हमारा पावर ग्रिड फेल हो सकता है। दोस्तों, मैं पत्रकार बनने के पहले सालों तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूं और अपने उस अनुभव से दावे से कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका बड़ा सीधा सा कारण है कि एक तो जितने भी नए पावर हाउस हैं वो इस तरह के लोड फ्लक्चुएशन की स्थिति से निपटने में सक्षम है। हाँ, कुछ जो पुराने पावर हाउस हैं उनमें थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, एक बड़ा कारण इस नहीं आने का यह भी है कि पावर कंपनियों को समय पहले से पता है कि किस समय लोड कम होगा और किस समय लोड बढ़ना शुरू होगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। दूसरा, मोदी जी के इस गैर जरूरी कहें, कुछ लोगों की निगाह में मूर्खतापूर्ण कहें आह्वान के बाद ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी भी जारी की है, तो निश्चित रहिए और ऐसा पावर ग्रिड पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि 2012 में ऐसे ही जब पावर ग्रिड फेलियर हुआ था तो एक दो नहीं पूरे 20 राज्य हमारे अंधेरे में डूब गए थे, और ऐसे समय में जब हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हों तो मोदी जी से निवेदन है कि ऐसे गैर जरूरी स्टंट से बचें। तो सारी स्थिति आपके सामने है और आपकी इच्छा है, आप उत्सव मनाएं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन यह भी है कि सिर्फ लाइट बंद करें और बाकी घर के उपकरण चलने दें जिससे कि लोड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो।